तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ग्रेट स्ट्रेटजीज जिससे आप YouTube के फर्स्ट बिग माइलस्टोन तक पहुँच सकते हैं, जो कि है 100 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है मोग और आज मैं आपको YouTube जर्नी के लिए थोड़ा एजुकेट करूँगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम न्यू ऐसे कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास जाए और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो गाइस, एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको थोड़े अचीवेबल गोल्स बताऊंगा इसमें, बट वो स्टार्ट करने से पहले नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी आपके कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने टाइम से आप YouTube पे, आपने कितनी वीडियोस पोस्ट करी है, और आपको क्या लगता है आपके 100 सब्सक्राइबर कब तक हो जाएं। तो गाइस, आप पूछ रहे होंगे कि भाई मोहक 100 सब्सक्राइबर का गोल ही क्यों फर्स्ट माइलस्टोन चुना है? क्योंकि देखो भाई, 10 सब्सक्राइबर करना बहुत आसान है। आप अपने दोस्तों से बोल सकते हो, फैमिली मेंबर से बोल सकते हो, तो 10 सब्सक्राइबर तो यार कोई भी कर लेता आराम से। अपनी ही 5-6 यूट्यूब की आईडी बना के सब्सक्राइब कर दो यार, 10 सब्सक्राइबर तो इतना आसान है। और 1000 सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर वो थोड़ा बात का काम है, अभी इतनी वहां तक नहीं पहुंचते। तो भाई, क्योंकि बात की बात इसलिए, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर करने की सोच के चलोगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको लगेगा यार आपकी प्रोग्रेस काफ़ी स्लो हो रही है। क्योंकि अगर आप पहले ही छोटा माइलस्टोन रखोगे, उसको अचीव करना आसान रहेगा। अगर जैसे आपको 1000 सब्सक्राइबर करने और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए आपने वीडियोस बनानी स्टार्ट किया, आपका रोज़ 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, एक दो, तो वो 1000 के लिए बहुत स्लो है। तो उसके लिए आपको पहले एक अचीवेबल गोल बनाना है, जैसे कि 100 सब्सक्राइबर, जो पहुंचना आसान है। तो इसलिए पहला छोटा माइलस्टोन हमारा रहता है 100 सब्सक्राइबर्स का। 1000 सब्सक्राइबर करने के माइंडसेट से अगर आप जाओगे, तो यार डेली आपका माइंडसेट हर्ट होगा कि भाई इतना लंबा गोल हमने अचीव रखा है क्यों। कुछ लोगों को 1000 सब्सक्राइबर करने में कितने महीने लग जाते हैं, कुछ को तो साल भी लग जाते हैं। जैसे ही आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो, आप अर्ली डेज में हो, आपके 17 दिन 20 दिन हुए हैं वीडियो बनाते बनाते, और आप देख रहे हो कि आपके 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं और आप 1000 सब्सक्राइबर का ऑलरेडी गोल लेके चल रहे हो, तो भाई अपना माइंडसेट खुद ख़राब कर लोगे आप। इसलिए पहला माइलस्टोन हम 100 रखते हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, भाई मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही कुछ बैड टैक्टिक्स यूज़ करने लग जाते हो। जैसे कि आप यूज़ करने लग जाते हो यार सब्स फॉर सब्स, आप दूसरों को बोला कि भाई तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। तो ये सब बैड टैक्टिक्स आप यूज़ करने लग जाते हो स्टार्टिंग में। कुछ लोग तो सब्सक्राइबर खरीदना चालू कर देते हैं यूट्यूब स्टार्ट करते ही, जो कि सबसे ख़राब है। यहाँ तक कि यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता सब्सक्राइबर खरीदना। YouTube की गाइडलाइंस में आफ लिखा है कि ऐसी चीज़ें करना अलाउड नहीं है, आपका चैनल तक टर्मिनेट हो सकता है। तो गाइस, इसलिए अपना माइलस्टोन छोटा रखो, ताकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो वो अचीव करने के लिए। गाइस, ये सब्स फॉर सब्स वाला तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके काम नहीं आएगा। आपने एक बंदे को बोल के सब्सक्राइब करवा लिया, वो बंदा मोटो व्लॉग बनाता है, आपका गेमिंग चैनल है, आपने मोटो व्लॉग को सब्सक्राइब कर दिया, उसने गेमिंग चैनल को, आप उसकी वीडियोज़ देखोगे ना वो आपकी वीडियो देखेगा, यूजलेस सब्सक्राइबर रहेगा। यहाँ तक आपकी ऑडियंस रिटेंशन भी कम होगी, क्योंकि जब भी आपकी वीडियो आएगी वो जस्ट स्क्रॉल कर देगा, वहाँ ऑडियंस रिटेंशन खत्म हो जाएगी। ऑडियंस रिटेंशन भी रहती है, आपका क्लिक पर रेट कम हो जाएगा कि भाई एक बंदे ने क्लिक कम किया है। तो गाइस, वो बिल्कुल भी मत करना। पहले मैं कर चुका हूँ अपने गेमिंग चैनल के साथ ये सब, तो मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसे कुछ फ्यूचर में करने के लिए। और गाइस, सबसे बेकार चीज़ जो अपने चैनल के लिए कर सकते हो, वह सब्सक्राइबर बाय करना। तो गाइस, इतने डेस्परेट मत हो जाना अपने गोल के लिए कि आप सब्सक्राइबर बाय करने लग रहे हो। आजकल बहुत साइटें आती है फेक वेक, जहाँ पे आप सब्सक्राइबर बाय कर सकते हो। यहाँ तक कि कितनी साइटें ऐसे भी है जो आपको स्कैम भी कर देगी, पैसे ले लेगी बट सब्सक्राइबर नहीं देगी। अगर सब्सक्राइबर आपको मिले भी, तो वो सब्सक्राइबर कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगा आपके चैनल पे, वो ना आपकी वीडियो देखेंगे, वो जस्ट सब्सक्राइबर होगा, जस्ट उन्होंने फेक आईडीज बना रखी, सब्सक्राइब करें आपसे पैसे ले लिए, तो कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगी वो आईडी आपको। तो ऐसा तो बिल्कुल मत करना। और यहाँ तक कि यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट होगी, आपका चैनल तक डिलीट हो सकता है। यहाँ तक यूट्यूब खुद एक्स्ट्रा ही जो बाय करे हुए सब्सक्राइबर होते हैं खुद माइनस कर देता कभी कभी, तो मैंने खुद देखे हैं कितने बंदों के माइनस होते हुए। एक दिन में सीधा 50 सब्सक्राइबर बढ़ गए, फिर वो वापस उतने भी आ गए। तो बाय तो गाइस बिल्कुल भी मत करना अपने सब्सक्राइबर्स। इसलिए मैं खुद सोचता हूँ कि पहला माइलस्टोन होना चाहिए कि 100 सब्सक्राइबर, क्योंकि आपको हर एक दो दिन में एक दो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एक बढ़ेगा, कभी दो बढ़ेंगे, कभी चार बढ़ेंगे, कभी 10 भी बढ़ सकते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने फर्स्ट माइलस्टोन तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक बेस्ट केस सिनेरियो बताता हूँ।
आपने एक वीडियो डाली, उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ गए, बट अब जो आपके सब आपके व्यूअर्स ने आपकी वीडियो देखी है, उनके पास और कोई वीडियो ही नहीं है देखने के लिए, क्योंकि आपने एक ही वीडियो डाल रखी है। तो गाइस, जब आप न्यू चैनल बनाएंगे तो ट्राई करो उस पर वीडियोज़ डालने की। एटलीस्ट अगर आप एक हफ्ते में दो वीडियोस भी डाल सकते हो तो डालो। जितनी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हो उतनी ज़्यादा वीडियो बना के पोस्ट करने की कोशिश करो। जैसे कि आपने सोच रखा कि हर हफ्ता एक ही वीडियो डालूंगा मैं, तो स्टार्टिंग के चार पांच हफ्ते वो एक की जगह आप तीन वीडियो डालो। अपनी वीडियोस पंप करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी वीडियो आप डाल सकते हो स्टार्टिंग के टाइम में उतनी वीडियोस डालो। तो इससे क्या होगा, जब आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे तो बाकी आपके व्यूअर्स को आपके और वीडियोस भी दिखेंगी, और वीडियोस होंगी जिनको वो देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, मोस्टली लोग पहली वीडियो पे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लोग और वीडियोस देखते हैं, जब उनको लगता है हाँ भाई इसकी वीडियो मैंने पहले भी दो तीन बार देखी है, तो लोग सब्सक्राइब करना स्टार्ट करते हैं। तो मोर वीडियोस डालो ताकि लोगों के पास कॉन्टेंट हो देखने के लिए। और गाइस, अगर एक ही व्यूअर को आपकी वीडियो बार बार दिख रही है, पहली बार दिख रही है फिर दूसरी बार दिख रही है, तो उसको पता चलेगा कि भाई जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है ये बंदा वही कंटेंट बना रहा है। तो पहली बार उसको दिखेगी, दूसरी बार उसको पसंद आई, तीसरी बार वो सब्सक्राइब भी करेगा। इससे क्या होगा, वो सब्सक्राइबर आपका परमानेंट सब्सक्राइबर हो सकता है, कई सालों तक आपके चैनल पर सब्सक्राइबर रह सकता है वो, अगर आप वैसा ही कॉन्टेंट और बनाते रहेंगे तो। भाई ये रहता है हमारा ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर, जो काफ़ी टाइम तक आपके चैनल पर टिका रहेगा। अगर आपके पास बड़ी सारी वीडियो पहले से पड़ी जो आपको अपलोड करनी ही है, आप अपलोड कर सकते हो उसको, अनलिस्ट रख सकते हो उसको, आप स्केड्यूल कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 to 2 days दो, उसके बाद आप दूसरी वीडियो डालना, ताकि आपकी पहली वाली वीडियो एटलीस्ट व्यू तो आए, फिर पता चले आपने पहली वीडियो डाली दो व्यू आए, आपने दूसरी वीडियो डाल दी ना उस पर व्यू आ रहा ना इस पर। फिर जब आप अपनी वीडियो को थोड़ा सांस लेने का टाइम दोगे तो YouTube से भी आपको बोनस मिलेगा, वो YouTube आपकी वीडियो रिकमेंड करेगा। बट दो तीन वीडियो एक साथ डाल दोगे तो YouTube कन्फ्यूज हो जाएगा भाई। और गाइस, ऐसा मत करना कि एक ही दिन में 7 वीडियो डाल दिया, एक ही दिन में 8 वीडियो डाल दी, थोड़ा सांस लेने का टाइम दो वीडियो को, वो अपलोड हो गया उसको थोड़ा रिकमेंड होने दो, थोड़ा उसमें गैप रखो, पहले वो वाली रिकमेंड करो, ये वाली करो, भाई YouTube को मत कन्फ्यूज करो, अपना एक वीडियो डालो तो बेस्ट यही रहेगा। अगर आप एक हफ्ते में 3 वीडियो डालते हो दो दो दिन के गैप पे, तो ये बेस्ट टेक्निक रहेगी। तो भाई, जो आपके चैनल को फर्स्ट सब्सक्राइब करेगा, ऑब्वियसली आपकी और आपकी फैमिली के अलावा, तो भाई देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में किसी एक बंदे ने आपके कंटेंट को इतना वैल्यूएबल इनफ समझा है कि उसने आपको सब्सक्राइब किया, ताकि जब भी आप नया कंटेंट दोबारा डालो उसको देखने मिले। भाई आपका फर्स्ट सब्सक्राइबर, यही तो चाहिए, फर्स्ट सब्सक्राइबर ऐसा चाहिए कि जिसको आपका कंटेंट वैल्यूएबल इनफ लगे। और सोचो अगर आप उस सब्सक्राइबर से बैठ के बात कर सकते हैं कि आपका चैनल उसने सब्सक्राइब किया, आपको वैल्यूएबल इनफ समझता है, सोचो। ये तो मैं सिर्फ एक बंदे की बात बता रहा हूँ, ऐसे 10 और पूरी बस भर के आपके पास बंदे सब्सक्राइबर पड़े, 10 से सोचो 25, पूरा कमरा भर के बंदे बैठे हैं आपकी वीडियो देखने के लिए, फिर सोचो वही सब्सक्राइबर आपके 100 हो जाते हैं, तो भाई पूरा होल फुल हो रखा है आपके सब्सक्राइबर से, जो आपकी वीडियो वैल्यूएबल इनफ समझते हैं देखने के लिए, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है। भाई क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, एक स्टेज पे खड़े हो और आपको 100 बंदे सुनने के लिए रेडी है वहाँ पर। भाई थोड़ा सुनने में हॉरिबल लगता है, बट 100 सब्सक्राइबर वैल्यूएबल इनफ आपको समझते हैं, उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप ये डेली कर रहे हो ऑलरेडी, उनको आप कंटेंट दे रहे हो देखने के लिए, और वो आपका कंटेंट देख रहे हैं, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ तक कि अभी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी लोग देख रहे हैं। तो भाई आप में से जो भी लोग ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उस माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए आप वो स्टेज फियर ऑलरेडी आप वो चीज़ कर रहे हो, आप उन 100 बंदों से कनेक्ट कर रहे हो, ये सब अपने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने के लिए ऑलरेडी आप उस स्टेज पे हो, और अपनी वीडियोस को आगे प्रमोट कर रहे हो, और वो आपको देखने के लिए बैठे हैं, और उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है। अब जो ये रियल बंदे हैं जो हॉल में बैठे हैं, ये बहुत ही प्रेशियस है, क्योंकि इन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो भाई इनका थोड़ा रिस्पेक्ट करना, कि जैसे कि बीच में कंटेंट मत चेंज कर देना, यहाँ आपने गेमिंग चैनल खोल रखा है, 100 सब्सक्राइबर इकट्ठे किए, आज फिर आपने मोटो व्लॉग या फिर व्लॉगिंग करना चालू कर, भाई भाग जाएंगे सारे के सारे। मैं बता रहा हूँ 100 में से 10 नहीं टिकेंगे, और अगर टिक भी गए तो आपका रिटेंशन ही कम करेंगे वो,
वो आपकी वीडियो ही नहीं देखेंगे, आपका क्लिक पर रेट फिर कम होगा, उनको चाहिए भाई गेमिंग वीडियो थे, मेरे को तो गेमिंग वीडियो देखनी थी, ये साला मोटो व्लॉग बनाने लग गया, तो मोटो व्लॉग देखने तो आया नहीं हूँ मैं, तो ऊपर कर दूंगा या अनसब्सक्राइब कर दूंगा या अनलाइक कर दूंगा या डिसलाइक कर दूंगा। तो उनको थोड़ा भाई रिस्पेक्ट रखो, उनको जो कंटेंट देखने आया वही कंटेंट दिखाओ उनको। और गाइस मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं, थोड़ा बहुत अगर उनका सब्सक्राइबर इकट्ठा हो जाता है तो वो ट्राई करते हैं यार अब इसमें मैं और कंटेंट नहीं बना रहा हूँ तो चेंज करता हूँ, कुछ नई चीज़ ट्राई करता हूँ, तो भाई अपना चैनल डेड करवा लेते हैं। जैसे मेरा एक चैनल मेरे पे पड़ा है जो ऑलरेडी डेड है, उस पे अराउंड 1200 सब्सक्राइबर है भाई, मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था पबजी के लिए, पबजी गेम स्टार्ट के लिए, बट पबजी बैन हो गई, फिर ब्ला 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 बहुत चीज़ें हुई, मैंने पबजी गेम डालना बंद कर दिया, उस पे पीसी गेम्स डालनी स्टार्ट कर दी, भाई किसी ने नहीं देखा, लिटरली उसकी रीच ख़त्म हो गई बिल्कुल, वैसा डेड चैनल हो गया, जैसे मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ 1000 बंदों को वीडियो दिख रही है पर वो देख ही नहीं रहे, तो यूट्यूब उसको और डाउनफॉल दे रहा है कि पहले ही 1000 बंदे इसके चैनल पे जो इसी की वीडियो नहीं देख रहे यूट्यूब में रिकमेंड करना बंद कर दे, तो चैनल डेड हो गया। ये मेरा चैनल है साइड में, उसको नाम दे दूंगा मैं आपको, यहाँ पे आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो कि कैसे डेड पड़ा है वो। तो गाइस कुछ ऐसा कॉन्टेंट बनाना जो आप इंजॉय करो साथ में बनाते हुए, ये नहीं कि यार ज़बरदस्ती बना रहे हो कि यार मैं 10 दिन तो मैं गेम खेल लूँगा, बट यार मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे को वो मोटो व्लॉगिंग करनी है, मेरे को भाई अपने हेलमेट में कैमरा लगा के वीडियोज़ बनानी। तो भाई जिस काम में आपका मन लग रहा है सिर्फ वही वीडियोज़ बनाना, ज़बरदस्ती कोई वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, और ट्राई करना कि काफ़ी टाइम तक अगर आपको रखना है तो कंटेंट सेम रखो, थोड़ा बहुत आप शिफ्ट कर सकते हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा बहुत, कि आज आप अगर अनबॉक्सिंग की वीडियो बना रहे हो तो कल किसी चीज़ की रिव्यू की वीडियो बना दो, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग चलेगी, बट ये नहीं कि आज आपने अनबॉक्सिंग और टेक का चैनल खोल रखा है, कल आप इस पे एनिमे की वीडियो बनाने लग गए या आप कार्टून डालने लग गए या कुछ हो, तो इतना कंटेंट शिफ्ट नहीं चलेगा। आपको अपने सब्सक्राइबर्स की रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी कि उसने किस चीज़ के लिए आपको सब्सक्राइब किया है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो गाइस YouTube का रिकमेंडेशन ही कुछ ऐसे वर्क करता है कि अगर आपकी एक वीडियो किसी को दिखी है और वही वीडियो उसको बाद में कोई और आपके चैनल से वीडियो रिकमेंड होगी, फिर तीसरी वीडियो रिकमेंड होगी, वो देखेगा कि भाई आप सेम वीडियो उसके जो उसको इंटरेस्ट है देखने में वो वीडियोस ही बनाते हो, तो ज़रूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर वो आपकी वीडियोस बार बार देख रहा है, तो कहेगा भाई सब्सक्राइब ही कर लेता हूँ ना, ताकि आप जब भी नई वीडियो डालो वो डायरेक्ट देख ले, उसको बार बार सर्च ना करना पड़े, उसको खुद रिकमेंड हो जाए। तो बट उस पर दिक्कत यह है, उन सब वीडियोस के टॉपिक सेम होने चाहिए, जैसे टेक की वीडियो है तो सारे टेक के टॉपिक्स होने चाहिए, तो इसलिए वो आपको सब्सक्राइब भी करेगा। तो भाई आपकी YouTube जर्नी में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि तो सबके माइंडसेट में डिफरेंट तरीके से डला हुआ है, उनको लगता है कि भाई अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे किसी को तो वो गलत है, बट नहीं, इट्स ओके अगर आप किसी को आप सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हो खुद से, तब तक ठीक है जब तक कि वो बंदा आपकी वीडियोज़ देखेगा। जैसे कि आप अपने टेक वीडियोज़ बना रहे हो और आपने किसी टेक लवर को शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए, तो इट्स ओके, बट यही आप अपनी किसी फैमिली ग्रुप में वीडियो डाल दोगे, आप टैग वीडियो बना, आपकी फैमिली वाले देखते ही नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ी अवॉइड करना, उन्हीं को थोड़ा रिकमेंड करो जो वीडियोस देखते हैं। और गाइस कुछ लोगों को लगता है कि यार थोड़ा एम्बैरेसिंग है वीडियो के अंदर बार बार सब्सक्राइब करना है, जैसे बंदा भाई बिग मांग रहा है सब्सक्राइब कर दो, बट ठीक है यार सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हो, क्योंकि अब वो बंदा बार बार आपको वीडियो देख रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं उसको भी आपकी वीडियो पसंद आ रही है, तो उसको एक रिमाइंडर दिलाना जरूरी है भाई कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, यार बंदों को नहीं याद रहता सब्सक्राइब करना, जब आप उसको याद दिलाओगे भाई सब्सक्राइब करना, तो वो सोचेगा हाँ यार वीडियो तो बार बार देख ही रहा हूँ तो चलो मैं सब्सक्राइब कर ही लेता हूँ, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देता हूँ, जैसे अभी आप ये वाली वीडियो करो। और गाइस कई तरीके ऐसे हैं अपने व्यूअर्स को काफ़ी पोलाइटली बोलने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, जैसे कि इस वीडियो में हमने स्टार्टिंग में किया, तो गाइस मेरा नाम है मोहक और आज मैं आपको YouTube जर्नी के लिए थोड़ा एजुकेट करूँगा, ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक करना चैनल को और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि जब भी हम न्यू ऐसे कोई वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास जाए और आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो गाइस एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ सेकंड के अंदर मैंने ये बताया कि मैं कौन हूँ, क्या वीडियो बना रहा हूँ, आप क्यों सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और इससे आपको क्या वैल्यू ऐड होगा आपके यूट्यूब चैनल में। तो भाई जब आप वीडियो बनाते हुए नॉर्मल कुछ ऐसे रियल पॉइंट तक पहुंचते हो कि जहाँ भाई सामने वाले व्यूअर के लिए आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वहाँ एक छोटा सा एड्रेस कर सकते हो आप सब्सक्राइब के लिए, बिना बोले भी कर सकते हो
जैसे कि अभी मैंने इस समय किया, तो उस चीज़ को आपको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस वो वहाँ पर है, व्यूअर को समझ आ रहा हाँ भाई सब्सक्राइब कर दो, तो आपको उस चीज़ को एड्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली डाल सकते हो, जिससे व्यूअर को एक रिमाइंडर रहेगा कि हेलो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली डाल सकते हो बिना बोले नीचे, जैसे कि अभी डाल दिया मैंने। और यहाँ तक कि आप एक सब्सक्राइब का वॉटरमार्क भी लगा सकते हो अपनी वीडियो के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, या लेफ्ट में कॉर्नर में आपको एक दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, पता नहीं लेफ्ट में होता है हाँ आपके राइट में होगा शायद, मेरे लेफ्ट में, नीचे आपको एक दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, तो आप वो भी डाल सकते हो, जिससे आपको एड्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा, आपका व्यूअर देखेगा और क्या पता उसकी नज़र वहाँ पे गई तो सब्सक्राइब भी कर दे। और भाई ये काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, लोगों का नोटिस जाता है वहाँ पे, थोड़ा सा सब्सक्राइब लिखा रहेगा तो काफ़ी नोटिस जाता है और काफ़ी लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, तो आपका एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर गेन करने में मदद करेगा। यहाँ तक कि आप YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी सब्सक्राइब का लिंक डाल सकते हो, प्लस एंड स्क्रीन में डाल सकते हो, आपकी जहां आपको लग रहा है कि आपको सब्सक्राइब का डालना चाहिए आप उस जगह सब्सक्राइब का डाल सकते हो। तो अपने व्यूअर्स को जितनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो आप सब्सक्राइब करने की, वो आपको देनी चाहिए कि भाई अपने व्यूअर को बताने के लिए भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल सब्सक्राइब का, जितनी अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हो जहाँ दे सकते हो आपको जरूर देनी चाहिए। और गाइस वो सब्सक्राइब करेंगे भी क्योंकि आप उनको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जो वो ढूंढ रहे थे यूट्यूब पे, तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वो आपको जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो गाइस एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट आपकी यूट्यूब जर्नी के, वो है पर्सपेक्टिव। आपको मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको पसंद नहीं आएगी शायद, बट जब आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई सोशल हेल्प नहीं है, कि मतलब अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो आपके पास इवन सोशल मीडिया पे भी कोई भाई 10-20 हज़ार फॉलोअर नहीं है, नॉर्मल आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है, आपका व्यूअर बस आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मैं आपके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करूं, आप बाकी सारे क्रिएटर क्या डिफरेंट कर रहे हो। और भाई YouTube का पर्सपेक्टिव यही रहेगा कि आपकी वीडियो से कितना डेटा इकट्ठा हुआ, उनको कितना कंटेंट लोगों ने देखा है, कितने एवरेज टाइम रहा है, कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, ये सब YouTube अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा, उस हिसाब से ही वो आपकी वीडियो आगे पुश करेगा, क्योंकि भाई उसको भी जानना कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिस तक आपका सारा कॉन्टेंट पहुँचाना है, उसके लिए उसको भी वो सब डेटा इकट्ठा करना है, तो उसका भी एक पर्सपेक्टिव रहता है। भाई मजाक नहीं करूँगा बट शुरू के कुछ हफ्ते और कुछ महीने काफ़ी स्ट्रगल रहता है आपके चैनल पे, यहाँ तक कि जो फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर है वो काफ़ी बड़ा गोल हो जाता है कुछ लोगों के लिए, कि काफ़ी नॉट अचीवेबल रह जाता है कि भाई हो नहीं रहा है कुछ लोगों से, मैं आपको काफ़ी दिक्कतें भी आ सकती है शुरू के 100 सब्सक्राइबर करने में, बट उसके बाद के 100 सब्सक्राइबर में उतनी मुश्किल नहीं होगी, और उसके बाद के सब्सक्राइबर में 100 सब्सक्राइबर में भी उतनी मुश्किल नहीं होगी, ना ही उसके बाद के 100 में, और पता भी नहीं चलेगा आपके कब 500 हो जाएंगे और कब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। तो भाई होता क्या है, व्यूअर और कंटेंट क्रिएटर के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक बॉन्ड बिल्ड होता है, इमोशनल वे से एक कनेक्शन बिल्ड होता है, उसके बाद आपके पास एक जेन्युइन सब्सक्राइबर आता है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, वो बॉन्ड इस्टेब्लिश किया है, तो डू सब्सक्राइब। तो देखा भी मैंने जस्ट क्या किया, तो भाई कुछ ऐसा कंटेंट रखना जो आप इंजॉय करो बनाने में, जिस पे आप 50 वीडियो 60 वीडियो 100 वीडियो बना सको, ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सको कि यूट्यूब आपकी वीडियो रिकमेंड कर रहा है और लोगों के पास देखने के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट है, तो आपको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वो आपको 100 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर पहुंचने में महीने लग सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों को 100-500 सब्सक्राइबर करने में साल भी लग जाते हैं, बट आपको छोटे माइलस्टोन रखने हैं, उसको अचीव करना है, और डेस्परेट होके कुछ बैड टैक्टिक्स यूज़ नहीं करनी है, और अपना माइंडसेट बना के रखना है उस माइलस्टोन को कंप्लीट करने के लिए, और आप वही मोटिवेशन रखोगे, वीडियोस उतने ही इंजॉयमेंट करके बनाओगे और कंटिन्यू रखोगे उस चीज़ को, तो भाई मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि आप इस प्रोसेस को इंजॉय करोगे, आपका एक एक सब्सक्राइबर जब बढ़ेगा, आपका नॉर्मल व्यूज़ जब बढ़ेंगे, तो भाई वो प्रोसेस आप बहुत ही इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी करोगे, माइलस्टोन्स अचीव करोगे और आगे बढ़ते रहोगे, और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी मोनेटाइजेशन भी कब ऑन हो गया है जर्नी इंजॉय करते करते।
तो भाई आपको अभी तक पता चल गया होगा, ये वीडियो एक क्रिएटर के लिए है जिनकी जर्नी हार्ड हो सकती है अगर आप स्टार्ट करोगे, बट आपके पास अगर एक बहुत ही बढ़िया माइंडसेट है ये जर्नी कंटिन्यू करने का, तो आप बहुत ही जल्दी 100 सब्सक्राइबर अपने कर लो। अगर आप राइट एटीट्यूड रखोगे तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लोगे, यहाँ तक कि आपके 100 सब्सक्राइबर क्या आप 500 और 1000 भी कर लोगे अगर आपका राइट माइंडसेट और राइट एटीट्यूड रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गोल अचीव करो, मेरा चैनल आपकी मदद करे ये गोल अचीव करने में। आपके जितने भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं वो भी चाहते हैं कि आप ये गोल अचीव करो। तो गाइस एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीडियो मेकिंग डेज़।